So welcome back to RM Blog series. वेलकम बैक टू आर एन ब्लॉग्स. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे और सेफ होंगे. सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में गाइस हम बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही लाजवाब मतलब मशहूर बिरयानी बनाने वाले हैं, और वो बिरयानी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है. और इस बिरयानी में भाई हम बताएंगे आपको कैसे इस बिरयानी बनाई जाती है. पहली बात तो ये जो बिरयानी है भाई, इसको बोलते हैं हम, वैसे तो कई लोग इसको बोलते हैं चिकन बिरयानी. अगर आप शॉप पर जाते हैं तो भाई ये तो होती है मुरादाबादी बिरयानी. तो बहुत ही ईजी वे बताऊँगा आप लोगों को कैसे आप ये बिरयानी बना सकते हो. बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, ठीक है, क्योंकि भाई बिरयानी हर किसी को पसंद होती है, नॉन वेज लवर को तो बहुत ज़्यादा है ना. तो बनाए थे बिरयानी और करते हैं स्टार्ट इस ब्लॉग में. इस पर पहले अगर चैनल नए हो तो कर दो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं बिरयानी. सो भाई सबसे पहले जो आपको लेना है वो लेना है चिकन. ये बोनलेस चिकन है, ठीक है, बोनलेस चिकन है भाई. उसी तरीके से फिर दोबारा बोलूँगा, जो नॉन वेज नहीं खाते प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, ठीक है, और जो खाते हैं वो तो भाई बिल्कुल देखो. और सेकेंड थिंग तो ये है भाई चावल, जो कि मैंने उसको आधे घंटे पहले भिगा दिए, ठीक है, देख सक रहे हो आप आधे घंटे पहले भिगा दिए. और इसको अगर आप शॉप पे जाओगे तो ये चावल थोड़े से महंगे होते हैं, और स्पाइस मतलब महंगे भी होते हैं और प्लस में ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं. एक्सपेंसिव क्या होते हैं, ये होते हैं 90 रुपीज़ के जी. आप शॉप पर जाओ किराने की शॉप पर और बोल दो किसी से भी कि आपको लेना है भाई डबल चाबी चावल, तो ये 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ के जी हुआ है अभी मेरे पास फिलहाल, जो हमारे मार्केट में 100 रुपये के जी है. तो इसको भाई पहले चावल को आपको आधे घंटे पहले इसको भिगाना पड़ेगा चावलों को, ठीक है. ये आप दुकान पे जाके बोल देना डबल चाबी चावल चाहिए, ठीक है. सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए देख लो, बहुत ही ईजी है बताऊंगा जल्दी से. सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है भाई यहाँ पे, ठीक है. ये है हमारा रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अनियंस है, ठीक है, और ये माँ की दही मदर डेरी, ठीक है, ये माँ की दही है मदर डेरी. और आपका हो गया ये खड़ा मसाला, जो कि आपको शॉप से मिलेगा, ठीक है, पूरा खड़ा मसाला हो गया. बाकी हल्दी नहीं डालते हैं, ठीक है, बिरयानी में हल्दी नहीं डाली जाती, हल्दी बिल्कुल भी ना डालें, ठीक है. जो उसके कलर होता है उस कलर का ही मेन होता है, और प्लस में स्वाद भी होता है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं दिखाता हूँ, ये साउंड आ रही है साउंड. सो ये है अजीनोमोटो, ठीक है. अगर बिरयानी खाई होगी तो अजीनोमोटो उसमें डलता है, अजीनोमोटो आप डालो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है, अजीनोमोटो भी आप ज़रूर डालो. तो अजीनोमोटो हो गया, और अब हो गया लास्ट का एक इन्ग्रीडियंट जो है वो है भाई बिरयानी मसाला. बहुत से लोग बिरयानी मसाला नहीं डालते, बहुत से डालते हैं, लेकिन हम लोग डालते हैं क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि हम अच्छा बना सकते हैं बिरयानी मसाले के बिना. नहीं, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो बनाते हैं, ठीक है. चलो बता दिया मैंने. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है जल्दी से प्याज काट दिए बारीक. सबसे पहले हमें चिकन लेना है, चावल को कर दो ना साइड राइट, और फिलहाल ना तो सबसे पहले हमें इसमें डाल देनी है दही, या तो दही या बाद में डालो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा बाद में डालो, ठीक है. दही डालने के बाद सबसे पहले आपको चाहिए भाई, ये हो गया हमारे मसाले जो हमें डालने हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने बताया आपको धनिया डालना है, ये डाला धनिया, धनिया भाई डाल सकते हो 2 स्पून डाल सकते हो आप लोग, ठीक है, धनिया. और ये है भाई लाल मिर्च, लाल मिर्च में थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगा, ठीक है, और धनिया भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लेता हूँ क्योंकि चावलों का भी हिसाब होता है इसमें. ये सॉल्ट, और सॉल्ट तो आपको भाई पता ही है, नमक आपको हमेशा जितना आप लेते हो उतना ही डालना, लेकिन ठीक ठीक डालना है. ठीक है, यहाँ मेड सब डाल दिया, इसको करते हैं हम साइड. पीछे से जो नॉइज आ रही है भाई, मेरा भांजा आया हुआ है, ठीक है, तो मेरा तो आया हुआ है भांजा, तो भाई वो भांजा थोड़ा सा अच्छा दान है, तो अवॉइड करना मेरे भांजे को, मतलब उसको अवॉइड करना था, उसके वॉइस को अवॉइड करना. सो चलो करते हैं. तो यहाँ पे हमने सब कुछ मिक्स कर लिया, ठीक है. तो ये है दही, ये 20 रुपये की आई है भाई, बहुत महंगाई हो गई है. खुल जा तो भाई इसको पूरी की पूरी आपको दही इसमें आपको डाल देनी है.
बिल्कुल भी दही बचाए ना, कंजूसी ना करें, ठीक है, कि जमाने के लिए जमोने के लिए डाल दी जैसे मम्मियाँ करती हैं। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है भाई इसका, बड़ा ये ज़रूर लेकर आना भाई, ठीक है। तो कुछ लोग इसको बोलेंगे भाई ये तो ऑयल में डलेगा, लेकिन मैं इसको इसके ऊपर ही डालूंगा, ठीक है। इसको हम डालेंगे, ठीक है, ठीक है। तेज पत्ता से बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है भाई। थोड़ा सा इसको करते हैं साइड। अब इसको क्या करना है हमें, अब इसको करना है हमें इसको मैश करना है, ठीक है। इसको मिला देना है अच्छे से, ठीक है। अदर लहसुन का पेस्ट चाहूँ तो अभी डाल सकता हूँ, चाहो तो मैं उसमें डाल सकता हूँ तेल में, लेकिन मैं इसी में डालूंगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, इसको फाड़ते हैं, इसको हम करते हैं ओपन। इसको ओपन करने के बाद इसको डाल दो इसी के ऊपर, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट है भाई ये पूरा, इसको बहुत ही अच्छे से डालना है। और ठीक है, अब इसको देखो हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए भाई, हाथ के बिना बहुत बेकार हो जाएगा ये सब की। तो यहाँ पे मैं आपको फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को भाई आपको ये दिखाना है, तो फेस दिखाना मुश्किल है। तो बिना फेस के आज वॉइस ओवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिरयानी आप इसको अच्छे से मैश कर दो, ठीक है, चिकन अच्छे से बिल्कुल। अच्छे से आपको इसमें मसाले मिला देने हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने ये डालना भूल गए थे, ठीक है। ये है शाही बिरयानी मसाला, ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैं भूल गया था, तो ये भी कुछ 70 rupees का पैकेट पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं ऐसे, और इसको भी हम डालते हैं अच्छे से। इसको आप डाल दो, अगर आपके पास 1 kg चावल है तो कम से कम डाल दो 2-3 spoon डाल ही दो इसे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा से इसको आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं भूल गया था ना इसलिए। वैसे तो इसको देखो आधा घंटा आपको रखना पड़ता है, लेकिन मैंने नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है भाई बिरयानी खाने की। सो गाइस अब आ गए हम भाई, हमने यहाँ पे रख दिया है ये हमारे पहाड़ में से डिक्ची बोलते हैं, तुम्हारे में क्या बोलते हैं, पतीला। तो पतीला रख दिया है हमने, और पतीले में हम डालेंगे फॉर्चून तेल, ठीक है। क्या हो गया रे, बेइज्जती मत कराइए, है भाई है तेल भी है सब कुछ, ऐसी बात नहीं है भाई। तो हमें इसमें अच्छे से तेल मिला देना है, तेल थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रखें, ठीक है, तेल यहाँ पर ज़्यादा ही रखना है। और आप वो जो गैस की फ्लेम है वो हाई ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, गैस की फ्लेम थोड़ा हाई ही रखें। सो यहाँ पे हमें प्याज मिला देना है, ठीक है, जो हमने बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। गैस अभी भी भाई मैंने हाई रखी हुई है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम डालने वाले हैं चिकन, ठीक है, चिकन डालने वाले हैं हम। तो भैया इसको अच्छे से पोंछ लें, क्योंकि ये पूरी दही है, ठीक है,
ये सब हमने अपनी मम्मी से सीखा है। मम्मी जी ने बताया हमें कि भाई कंजूसी तो नहीं बोलते ऐसे, लेकिन हाँ चीज़ों का वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो इसको अच्छे से, इसकी जितनी भी ग्रेंड है दही वगैरह है, इसको अच्छे से निकाल लें। तो यहाँ पर मैं रख दिया, तो इसको अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा फ्लेम हाई ही होना है, ठीक है। वहाँ पे भी फ्लेम हाई था और यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लेम को हाई ही रखना है आपको। अच्छे से कम 5-7 मिनट में आपको हाई फ्लेम पे पकाना, जब तक ये पानी नहीं छोड़ देता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालना चाहूँगा भाई अजीनोमोटो, ठीक है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, ज़्यादा मतलब इतना भी ज़्यादा ना डालें कि पूरा अजीनोमोटो की स्मेल आए आपको, ठीक है। एक बार हाथ से दोबारा घुमाना पड़ेगा। अब इसे भाई हम 5-7 मिनट ले पाएंगे हाई फ्लेम में, ठीक है। इसलिए हम इसको ढक रहे हैं, इससे इसको ढक दें अच्छे से और इसके ऊपर रख दें कुछ कपड़ा, क्योंकि इसमें छेद है, ठीक है। तो रख दो और 5-7 मिनट पकने देते हैं। भाई यहाँ पे थोड़ा चिकन हमने देख सकते हो भाई, बिल्कुल 5-7 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ता है क्योंकि बोनलेस है तो जल्दी से बॉईल हो जाता है, इसके बोनलेस है, ठीक है। तो अब इसमें हम रखने वाले हैं राइस, जो कि हमने भिगा के रखे हुए थे, ठीक है। तो भाई ये है राइस, तो इसमें हम डाल रहे हैं पूरा। स्पेशली इस ब्लॉग में ना मेरे रिश्तेदारों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, मेरे रिलेटिव्स को, उनको भी आ जाएगी बिरयानी बनानी, ठीक है। तो ध्यान पता, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको चावल को ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमाना, इससे चावल टूट जाते हैं और चिपक सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा तेज़ की ना घुमाएं। अभी इसमें पानी थोड़ा सा, ज़्यादा ऐसे नहीं घुमाना, और ध्यान इस चीज़ का रखना है कि भाई गाइस यहाँ पे एक सीन हो गया कि मेरे को लगा कि मैंने भाई रिकॉर्ड पे डाल रहा कैमरा, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं डाला था, तो ये थोड़ा स्किप हो गया होगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे आपको पानी डाल देना है, ठीक है, जैसे मैंने डाला हुआ है पानी डालना, और इसको हाई फ्लेम पे रखना, और एक आपको इसके अंदर एक उबाल आना चाहिए, तो ठीक है इसको बंद कर दो और एक आने दो इसमें उबाल, ठीक है। थोड़ा सा पहला उबाल आने दो, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। सुबह यहाँ पे ना ये पहला उबाल आ चुका है, ठीक है। सर ये पहला उबाल आ चुका है, तो हम अब इसको मीड कर देंगे, थोड़ी सी आँच कम कर देंगे, और इसको थोड़ा हल्के हाथों से हिलाना है, ठीक है, हल्के हाथों से आपको हिलाना है, हल्के हाथों से। अब इसको बंद कर, इसको अच्छे से बंद करना है और इसको ढक देना है, 20 से 25 मिनट पकाना है, ठीक है। 20-25 मिनट मैक्स टू मैक्स टाइम नोट कर लो, और इसका जो फ्लेम होगा वो होगा मीडियम, ठीक है। चलिए 25 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो यहाँ बिरयानी बन गई है भाई पूरी अच्छे से, और यहाँ चटनी वगैरह के साथ इसको ले। क्या है ये, क्या बनाई है? बिरयानी खाना नहीं, बिरयानी। हाँ भाई ना, तो ये देखो भाई बिरयानी बहुत ही टेस्टी होनी है। अगर आपको ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो भाई चैनल को कर दो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और खाने दो। चलो।